हेलो मैं सर गूगल। आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे ऐसे टॉप 5 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो हर एक ड्रॉपर को फाइट करने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं क्लास 12 के स्टूडेंट्स को नहीं दे सकते, क्लास 12 के स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, पर उनके पास में एक साल का ऑप्शन और रहता है। तो इसलिए मैं ड्रॉपर्स को ज्यादा रिकमेंड करूंगा इन एग्जाम्स के फॉर्म फिल करने के लिए। तो देखो, ऐसे ड्रॉपर आपने अच्छे से तैयारी की, आपने अपना 100% दिया जेईई मेंस और जेईई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए, पर इन केस 1% चांस अगर अपन मानते हैं आपको जो अपनी ड्रीम कॉलेज या फिर जो ड्रीम ब्रांच है वो नहीं मिली, तो आपके पास में दूसरे ऑप्शंस भी होने जरूरी है। जिंदगी केवल वहीं पे नहीं रोकनी अपन को। तो देखो, इंडिया के अंदर बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल चुके हैं, इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। और हर कॉलेज वाला अपने एंट्रेंस एग्जाम लगा देते हैं मार्केटिंग पर्पज के लिए, अपनी कॉलेज की वैल्यू को और बताने के लिए कि आपका एडमिशन ऐसे ऐसे होगा, ये होगा, केवल मार्केटिंग के हिसाब से, ठीक है। तो हम सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात नहीं करेंगे, ऐसे टॉप 5 बेस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिनके थ्रू जो कॉलेजेस मिल रही है उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा है और हर साल बहुत से स्टूडेंट्स उन एग्जाम को फाइट करते हैं। तो इन सभी एग्जाम्स के बारे में अपन बात कर रहे होंगे। एकदम शॉर्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से एग्जामिनेशन आपके लिए यूजफुल है, बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है सारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि क्लास 10th, क्लास 12th बोर्ड्स, कोचिंग रिव्यूज, कॉलेज रिव्यूज एंड बुक्स रिव्यूज, इन सबसे रिलेटेड वीडियोस में लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे ये चीज तो इंट्रो से पहले बोलनी थी, चलो कोई ना, पॉइंट पे आते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो, जेईई मेंस के अलावा जो मैं सबसे पहला एग्जाम ले रहा हूँ लिस्ट के अंदर वो है बिटसेट। काफी ज्यादा लेवल का एग्जामिनेशन है, जेईई मेंस और जेईई एडवांस के बीच में होगा। जेईई एडवांस से कुछ दिन पहले होता है बिटसेट का एग्जाम हर साल, और बिटसेट के थ्रू आपको बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद जैसी कॉलेजेस के अंदर जो टॉप नॉच कॉलेजेस है इंडिया की उनके अंदर आपको एडमिशन मिलता है। और बिट्स पिलानी की सीएस और बिट्स गोवा की सीएस बहुत ज्यादा अच्छे लेवल की है, बहुत हाई आरओआई की कॉलेजेस है। तो बिटसेट का एग्जाम फाइट करने के लिए आपको जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो कम से कम जेईई मेंस के बराबर होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं जेईई मेंस से कम लेवल का आता है बिटसेट का पेपर तो आसानी से निकालेंगे, ये एक मिथ है। जेईई मेंस से कम लेवल का आता है, पर नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर इतने ज्यादा होंगे कि जो आपकी डिफिकल्टी लेवल है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर रहेगा। तो इसलिए आपको स्पीड के ऊपर भी अच्छा काम करना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी आपको स्ट्रेंथेंड होने चाहिए सारी चीजें। इस लिस्ट के अंदर जो सेकंड नंबर में एग्जामिनेशन ले रहा हूँ वो है WBJEE। WBJEE जो एग्जामिनेशन है उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इसका एग्जाम का पैटर्न है, किस तरीके से एग्जाम होता है, क्या इसका मोड है, इन सभी बातों के ऊपर मैंने डेडिकेटेड एकदम अच्छे से वीडियो बना रखी है ऑर्गेनाइज्ड वे में, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और हाँ, अगर आपको जितने भी एग्जाम्स में भी बता रहा हूँ उनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए जिनके बारे में मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, उसकी एलिजिबिलिटी, उसकी जो फॉर्म फीस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, हर चीज के बारे में बात करूंगा, तो कमेंट सेक्शन में लिखना NEED OP, ठीक है, तो आपको वैसी वीडियोस मिल रही होगी। अब WBJEE के ऊपर मैं आऊँ तो WBJEE से आपको वेस्ट बंगाल की कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलता है, और इसमें जो मेरे को बेस्ट कॉलेज लगती है और वास्तव में वो बेस्ट है, जादवपुर यूनिवर्सिटी। ये जो कॉलेज है वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है इंडिया के, जिसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इवन IIT से भी ज्यादा है, क्योंकि इसकी जो फीस है 4 साल की वो मात्र 10,000 रुपए। वो आपको सुनने में बिलीव नहीं होगा पर ये एक्चुअल चीज है, इसकी फीस बहुत कम है जबकि इसके अंदर प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। मेरे हिसाब से आपको इस कॉलेज के अंदर CS को टारगेट करते हुए WBJEE का फॉर्म भरना चाहिए, और उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखी है। इसीलिए इसके अंदर जो थर्ड नंबर के ऊपर एग्जामिनेशन आता वो है कॉमेड की। अब कॉमेड के थ्रू आपको कर्नाटका के काफी सही कॉलेजेस मिल जाती है। इसके अंदर जो बेस्ट कॉलेजेस मैं बोलूंगा वो यार बेंगलोर की RV कॉलेज और रमैया कॉलेज। इसके अंदर आपको एडमिशन तो मिल जाएगा अगर आप कॉमेड के अंदर एक अच्छी रैंक लाओगे तो, पर इनकी फीस थोड़ी आपको ज्यादा लगेगी, पर ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और बाकी कॉलेजेस काफी सही लेवल के इसके अंदर मिल जाते हैं, एक अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाएगा प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए। अगर अपन फोर्थ नंबर पे देखें तो वो यार मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट MET के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT बेंगलोर के अंदर, वो वाली नहीं है, ठीक है, और मणिपाल जयपुर के अंदर, मणिपाल सिक्किम के अंदर। अब जो मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर वाली है वो बेंगलोर से कुछ दूरी के ऊपर है, तो ये जो कॉलेज है इसके अंदर सत्य नडेला जो हमारे भाई साहब है माइक्रोसॉफ्ट वाले वो इसी के अंदर पढ़े हुए हैं और इसी की वो काफी ज्यादा ब्रांडिंग करते हैं, उनका नाम यूज लेके, तो इसके अंदर पैसा आपका बहुत लगेगा। देखो फीस इसकी बहुत ज्यादा है, पर अगर आप एक अच्छी स्कॉलरशिप लेके CS के अंदर अगर आपको इसके अंदर सीट मिल जाती है तो काफी ज्यादा बढ़िया कॉलेज रहेगी। स्कॉलरशिप बढ़िया होगी तो आपको फीस भी कम लगेगी, बाकी फीस इसकी बहुत ज्यादा है।
इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। तो मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट आपको देना चाहिए, इसका भी जो टफनेस लेवल है वो भी ठीक ठाक रहता है, ना ज्यादा इजी रहता है ना ज्यादा हार्ड रहता है, एक ऑप्टिमम इसका टेस्ट का लेवल भी है। तो आपको काफी सीखने को भी मिलेगा इसका टेस्ट देने के बाद में। अब देखो लास्ट में अपन फिफ्थ नंबर पर जिस एग्जाम की बात कर रहे हैं वो है भाई साहब VIT EEE। VIT EEE से आपको जिन कॉलेज में एडमिशन मिलेगा उनके नाम है VIT वेलोर, VIT भोपाल, VIT चेन्नई, VIT AP। बहुत जगह जगह इन्होंने अपने प्रतिष्ठान खोल रखे हैं। तो इनके जितने भी शोरूम्स हैं, क्योंकि ये दबा के पैसा ले रहे हैं भाई साहब उसके अंदर, तो उन शोरूम्स के अंदर सबसे बढ़िया वाला है वो है भाई साहब VIT वेलोर, और उसके अंदर CS मिल जाए तो काफी ज्यादा बेटर कॉलेज है। और प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर बिट्स के बाद में इसका एक काफी अच्छा नाम है। स्पेसिफिकली मैं प्रिसाइजली बात करूं तो VIT वेलोर की CS, ठीक है, क्योंकि इसका जो प्लेसमेंट है वो भी काफी ज्यादा हाई रहता है, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज्यादा वहां पे। VIT EEE का जो एग्जाम है इसके अंदर आपका टारगेट होना चाहिए top 10,000, मैंने कहा इसी के अंदर आपको VIT वेलोर के अंदर CS Category 1 और Category 2 वाली मिलेगी। इन दोनों कैटेगरीज की जो फीस है वो लगभग दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस के बराबर है। बाकी जितने भी फर्दर कैटेगरीज, मतलब जिसकी 50,000 रैंक है उसको भी VIT वेलोर में CS मिल जाती है, उसकी फीस भी फिर 40 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक पहुंचती है, ठीक है, मतलब कम्प्लीटली वो डोनेशन का गेम है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पर अगर आपकी एक रिलेवेंट कैटेगरी है, top 10,000 के अंदर आपकी रैंक है, तो आपको एक रेपुटेटेड CS मिलेगी VIT वेलोर के अंदर, ठीक है। तो ये थे top 5 एग्जाम्स की लिस्ट। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ आपका वैल्यू एडिशन का कार्य हुआ हो दिमाग के अंदर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद।